केरल गस्तरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलकड़े विशाल रोड शो रास्तार उभय पार्श्वे हजार हजार लोकों संबर्धना मोदी को देखा जनसमुद्र बीजेपी प्रार्थी श्री कृष्ण कुमार प्रचार कर मोदी ए देखुं आप दृश्य जे रास्ता कड़े उभय पार्श्वे हजार हजार लोक एकाठी होती खास करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखापी समस्त हाथ में मोबाइल भी रही समस्ते हाथ हल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य संबर्धना करपुंट दृश्य जे रास्ता कड़े उभय पार्श्वे हजार हजार लोक एकाठी होती हाथ हल मोदी को अभिवादन जनावि आज केरल गस्तर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पलकड़े विशाल रोड शो वर्तमान चली स्वागत किया जा रहा है। सड़कों के दोनों तरफ एक भारी जनसमूह मौजूद है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। केरल में कुल 20 लोकसभा सीटें हैं, 18 जनरल कैटेगरी की और 2 आरक्षित सीटें हैं। केरल में दूसरे फेज में चुनाव होना है और निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल अब चुनाव प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं और भाजपा इस समय मिशन साउथ के साथ आगे बढ़ रही है और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री केरल के पलक्कड़ पहुंचे हैं जहां वो एक रोड शो में शामिल हो रहे हैं और सड़क के दोनों ओर भारी तादाद में लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 मार्च से दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और इस दौरान वो केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना साथ ही आंध्र प्रदेश में उन्होंने चुनावी रैलियां की हैं। प्रधानमंत्री 15 मार्च को भी केरल पहुंचे थे जहां उन्होंने पथनमथिट्टा में चुनावी सभा को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री लगातार अपनी चुनावी सभाओं में कह रहे हैं कि बीजेपी युवा ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और इसलिए अब राज्य के लोग भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण भारत में कुल 131 सीटें हैं जहां केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं और एक ही साथ केरल में 26 अप्रैल को चुनाव होगा। यहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल मतदाता की बात की जाए तो 2,71,00,000 मतदाता हैं केरल में, 1,04,00,000 से ज़्यादा महिलाएं और 1,31,00,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता शामिल है और इस बार 2,00,000 से ज्यादा पहली बार युवा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रधानमंत्री केरल के बाद तमिलनाडु के सेलम जाएंगे जहां वे एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। भारत में चुनावों को लोकतंत्र का उत्सव माना जाता है और इस बार आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी तैयारियों में जुट चुके हैं और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। भाजपा इस बार मिशन साउथ के साथ आगे बढ़ी है
और नए साल का आगाज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के दौरे के साथ किया था। प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर आते रहे हैं और आज प्रधानमंत्री केरल के पलक्कड़ में मौजूद हैं। बीते 15 मार्च से प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। लगातार आप नारों की आवाज सुन रहे हैं, जहां मोदी मोदी के नारे लगातार गुंजायमान हो रहे हैं और पुष्प वर्षा के साथ दोनों ओर सड़कों पर मौजूद लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर इस समय बेहद उत्साह का माहौल। एक बड़ा जनसैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहां मौजूद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और प्रधानमंत्री सभी को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।